हेलो स्टूडेंट, बीएचयू का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों ने, हो सकता है कई लोगों ने देख लिया हो या कई लोगों ने नहीं देखा हो। पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज, और उन कोर्सेज में से आप कोई भी कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। जो अंडर ग्रेजुएट के लिए होते हैं उसको यूईटी बोलते हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होते हैं उसको पीईटी बोलते हैं। नंबर वन थिंग। दूसरा, एक चीज़ याद रखिए कि कई सारे कोर्स हैं जैसे बीएससी, बीए, एलएलबी, एमए, एमएससी, एमसीए, राइट, एलएलएम, इतने सारे कोर्सेज हैं कि उन सभी कोर्सेज के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि सेशन के बाद आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी डाउट हो तो आपको हमेशा ऑफिशियल साइट पर जाना चाहिए। जैसे मैं अभी ये सेशन एमसीए स्टूडेंट के लिए ले रहा हूँ और एमसीए के बारे में आपको सारे रूल बताता हूँ, पर हर एक एग्जाम्स के लिए बिल्कुल सिंपल सा एक ही रूल है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी और बहुत क्लियरली साइट पे विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसकी ऑफिशियल साइट है www.bhu.ac.in, राइट, नंबर वन। एंड इसके अलावा आपको, या फिर www.bhuonline.in, इन दो वेबसाइट पर हर चीज बहुत डिटेल में मिलेगी। इसलिए सेशन को नंबर वन ध्यान से सुनिए, समझिए, और सबसे पहले किसी भी एग्जाम के फॉर्म भरने का एक सिंगल रूल होता है कि पहले खुद सारी इंफॉर्मेशन पढ़ें, समझें, एंड देन उसके बाद फॉर्म फिल करें। तो पहले मैं कुछ नोटिफिकेशन की बेसिक बात बता देता हूं कि जो एग्जाम की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 9 मार्च है, यानी 9 मार्च तक आप एग्जाम फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बार बीएचयू का जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अब आपको कुछ चीजें मैं समझाने देना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 12 के बाद अपेयर हो रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद, डिपेंड करता है। तो आप जिस भी कोर्स के लिए अपेयर हो रहे हैं उन हर एक कोर्स का अलग अलग कोड है। बहुत ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़िए, मिस गाइड मत होइए। और दूसरी एक और बात बोलूंगा कि क्या होता है जब, जैसे आप बीएचयू एग्जाम्स लिखेंगे तो इन साइट्स के अलावा और भी 4 साइट्स आएंगी, वहाँ पर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी होती, कई बार हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप, आज की डेट में हर एक बच्चा स्मार्टफोन यूज़ करता है पर उसको स्मार्टली यूज़ नहीं करता, तो आपका स्मार्ट यूज़ करना चाहिए। यानी आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। आप 12th हैं, 12th पास हैं या 12th अपेयरिंग हैं तो ऑब्वियसली आप यूईटी के एग्ज़ाम देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप ऑब्वियसली पीईटी के, यानी पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, सपोज आप बीएससी कर रहे हैं तो हो सकता है आप एमएससी के लिए करें, सपोज आप बीए कर रहे हैं तो हो सकता है आप एमए के लिए करें, आप 12th में हैं, अगर आप सपोज 12th मैथ से कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली बीएससी से करेंगे। और बीएससी में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के, मैथमेटिक्स के, लाइक दिस। अगर आप 12th कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले कोर्सेज होंगे, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले। तो सबसे पहले आप अगर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा बीएचयू आईआईटी अलग है और बीएचयू आईटी अलग है, ये यूनिवर्सिटी है, एक पूरा कैंपस है जहां पर पीजी और यूजी के कोर्सेज होते हैं, और इन कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उस एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल आपको bhu.ac.in पे या bhu.online.in पे मिलेगा। पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टेस्ट 2 टाइम में है, मॉर्निंग में है 9 to 11 में है और इवनिंग में 3 to 5 में। अब हम बात करते हैं एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि आप में से कई लोगों ने एमसीए के बारे में पूछा था। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले एमसीए एंट्रेंस एग्जाम 15 मई को है, यानी 15/5/2019 को है। अब क्योंकि ये दिन संडे नहीं है तो हो सकता है अगर आप फाइनल ईयर अपेयरिंग है तो फाइनल ईयर का उस दिन पेपर हो, पर इस पेपर का टाइम 3 o'clock है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो भी, क्योंकि अभी आपके पास फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल नहीं है, तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म तो फिल कर ही दें, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम जब आपके ग्रेजुएशन के आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि देना है कि नहीं देना है। एग्जाम सिटीज की लिस्ट दी हुई है सारी, वो चेक करिए, जो आपकी नियरेस्ट सिटी है उस एक सिटी में एग्जाम दीजिए। दूसरा, आप में से जो लोग फाइनल टेस्ट सीरीज एमसीए में निमसेट या बीएचयू या किसी भी जेएनयू के लिए भोपाल आने वाले हैं तो आप एग्जाम सेंटर भोपाल ही लीजिए। अब बात करते हैं इस एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म ऑनलाइन फिल होना चालू हो गए 10 फरवरी से और 9 मार्च तक आपके लिए टाइम है, यानी 1 मंथ का एक टाइम दिया हुआ है। सबसे पहला काम, आप सब लोग, जबकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि
कि जैसे मैंने बीएचयू का मतलब एमसीए के बारे में बात कर रहा हूं, तो एमसीए का प्रिंट निकाल लिया। ऐसे जिस भी एंट्रेंस एग्जाम को आप देने वाले उससे रिलेटेड पहले सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सभी एग्जाम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। एक और इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में 60% नहीं है उनके लिए तो बीएचयू एक तरह से वरदान है, क्योंकि बीएचयू में ग्रेजुएशन में 50% मांगा जाता है। तो आप जब इसका नोटिफिकेशन खोलेंगे तो एक एलिजिबिलिटी वाला पेज आएगा, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, तो आपको एक चीज समझ में जाएगी। इसमें क्लियरली लिखा है बैचलर डिग्री अंडर 10+2+3 पैटर्न इन एनी उस बीसीए बीएससी सब एनीथिंग मिनिमम ऑफ 50%, यानी आपका एग्रीगेट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। फाइनल अपेयरिंग के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग वो लिखेंगे, और जब एग्जाम में अपेयर होंगे और जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो जब फाइनल की आप मार्कशीट दे रहे होंगे तो उस समय आपका ओवरऑल 50% देखा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि इस एग्जाम के लिए 12th में मार्क्स मांगते हैं, या तो 12th में मैथ्स हो या ग्रेजुएशन लेवल पे 12th में मैथ्स हो, ध्यान से सुनिएगा, 12th में मैथ्स हो या ग्रेजुएशन लेवल के एक साल में आपका मैथ सब्जेक्ट हो, राइट। इसलिए मैं आपको फिर बोलूंगा कि आप हर एक चीज को सेल्फ बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए, अंडरलाइन करिए। दूसरा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो एमसी एग्जाम का सिलेबस में 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही जल्दी मैं आपको ऑनलाइन जो जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको बीएचयू के मॉक टेस्ट दे दूंगा, और अभी आपके पास ऑलरेडी करीब करीब 5-6 पेपर आते हैं, बीएचयू का मॉक पेपर भी आपको ऐड करूंगा, उससे आपको समझ में जाएगा एग्जाम पैटर्न काफी सिंपल होता है, पेपर टफ नहीं होता, बट क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, तो ऐसे में आपको अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए। तो इसका अगर हम सिलेबस देखें तो बेसिकली 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे प्लस टू लेवल तक के, और 40 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। इन 80 क्वेश्चंस का अगर हम सिलेबस की बात करें तो 11th 12th का बेस सिलेबस है, स्पेशली कैलकुलस में वो लिखते हैं कि बेसिक ऑफ कैलकुलस, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी और एलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स होंगे, यानी ये सिलेबस का एक पूरा पार्ट दिया हुआ है। तो आप अगर बीएचयू एमसी एंट्रेंस देना चाहते हैं, अगर आपके 60 से कम है तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, पर अगर आप 60 से ऊपर हैं और निम सेट का एग्जाम देने वाले हैं उसके बाद भी आप एक एग्जाम और देना चाहें तो बीएचयू एक अच्छा ऑप्शन होता है, नो डाउट। प्लेसमेंट के टर्म में भी देखें, इन ऑल एजुकेशन के टर्म में भी देखें तो एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट फिर मैं बोलूंगा, और बहुत ही जल्दी मैं आपको बता दूं, इस महीने में कई सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जैसे जेएनयू का नोटिफिकेशन भी मोस्ट प्रोबेबल फेब में ही आता है, क्योंकि इस बार मई में एग्जाम होने के चांस है, निम सेट का नोटिफिकेशन भी मई फेब एंड तक आ जाएगा, यानी अब आपको फॉर्म भरने का समय आ गया है। तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके थ्रू आप एमसीए करें, जहां पे प्लेसमेंट अच्छे, उनके फॉर्म फिल करना है, तो मैं टाइमली आपको नोटिफिकेशन दूंगा, बताता चलूंगा। बट फिर से एक बात बोलूंगा कि आप ये मत पूछिए फोन करके कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बल्कि मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद पहले एक बार वेबसाइट पर जाएं, रिलेटेड कोर्स के पेज को डाउनलोड करें, इनफैक्ट उसका प्रिंट निकालें, एक हाईलाइटर लें, उससे हर एक चीज को मार्क करें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। पहले फॉर्म फिल करने का देखिए इंफॉर्मेशन को बहुत प्रॉपरली फिल करें, फाइनल सबमिट के पहले एक बार क्रॉस चेक करें और किसी और से ना करवाएं, सेल्फ चेक करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल्फ चेक करें, नंबर ऑफ सीट्स, सारी चीजें, बहुत सारे कोर्स हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। और ये नॉट ओनली फॉर बीएचयू, एवरी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इसका फॉर्म भरिए। और अगर आप जिस ढंग से तैयारी कर रहे हैं और जिस ढंग से जुड़े हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इसमें भी एक अच्छा रिजल्ट देंगे। ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, तो ऐसे में आपके लिए कंपटीशन बस सीट का ही फाइट होता है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपने एफर्ट्स 100% लगाना है। 46 और 20 सीट्स लिखी हुई है, हर एक चीज दी हुई है, और किसी भी अदर वेबसाइट पे मत जाइए, क्योंकि जैसे मैं बोलूं तो निम सेट की अगर आप एग्जाम डेट लिखोगे तो बहुत सारी डेट पिछले एक साल से लिखी आ रही, जबकि वो कहीं कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो ऐसे में हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो मिसगाइड ना हो उसके लिए मैं हमेशा एक बात बोलूंगा, हमारी वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी impetusgurukul.com, उसके बाद भी मैं हमेशा एक बात बोलूंगा कि जब भी फॉर्म फिल करें, जब भी इन्फॉर्मेशन लें, रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके रहें, तो जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीजिए, हर एक चीज को अच्छे से भरिए और टाइमली फॉर्म को फिल कर दीजिए। 9th मार्च लास्ट डेट इज, डजंट मीन कि 9th मार्च तक रुकें, आप एक दो दिन में पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से रीड आउट करिए, देन उसके बाद फिर आप इस फॉर्म को भरिए। प्लेसमेंट के टर्म में देखें तो प्लेसमेंट अच्छे हैं, पर फिर भी मैं बोलूंगा अगर आपको लगता है तो आप खुद आज की डेट में आपके पास गूगल है, आप उससे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी,
और फिर फॉर्म फिल करिए, और जो भी डाउट आए रिलेटेड वो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं एज सून एज पॉसिबल उन डाउट को दूर करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।